I gave you my heart. Hello viewers, today I will discuss with you a very important topic of English grammar. For example, conjunctions as although, though, even though. ये हमारे conjunctions के बारे में मैं discuss करूँगी. But उसको start करने से पहले मेरी आपसे request है, please like और subscribe करिए and don't forget to click the bell icon. और bell icon को press करना मत भूलिए, so that you can receive my next videos notifications. Okay friends, let's get started with today's topic. My today's topic is although, though, even though, even if. These are the conjunctions. ये कौन से conjunctions हैं? Subordinating conjunction. अब एक बार मैं आपको subordinating बता देती हूँ. वैसे भी मैंने subordinating conjunctions के बारे में अपने एक वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज करते हैं कि जिसमें वन मेन क्लॉज होती है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जो एक दूसरे के कंजक्शंस को कंप्लीट करते हैं. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जैसे हम लोग बोलते हैं भले ही, हालांकि या यद्यपि, ये तीन वर्ड्स हम अक्सर हिंदी में यूज करते हैं. तो तीन वर्ड्स के लिए हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं, आई मीन फोर विकल्प हैं. उनमें से हम किसी एक कंजक्शन का यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स के लिए. ओके, जैसे आलो भले ही, दो भले ही, इवन दो भले ही, इवन इफ भले ही. तो इन सब का सेंस एक ही आता है, भले ही, हालांकि, यद्यपि. तो इस तरह से आपने देखा कि इन तीन वर्ड्स के लिए वी आर हैविंग फोर ऑप्शंस. अब देखिए मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बता देती हूँ किस तरह से हम इन कंजक्शंस का यूज करते हैं. आदो शी इज वीक, यद्यपि वह कमजोर है, या भले ही वह कमजोर है, या हालांकि वह कमजोर है. तो तीनों सेंस इसमें आ जाता है. आदो शी इज वीक एट शी वर्क्स हार्ड. अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी हम आदो का यूज करते हैं उसके साथ हम केवल एट का ही यूज करते हैं. तो हिंदी में जैसे हम कहते हैं भले ही वो कमजोर है फिर भी, भले ही वो गरीब है फिर भी, तो इस तरह के जो फिर भी वर्ड आता है उसको मैं अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी. तो इस तरह से यहाँ आदो का यूज करके फिर आप दो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दो के साथ हम एट का यूज नहीं करते हैं. इवन दो तो यूज कर सकते हो, उसमें भी हम एट का यूज नहीं करते हैं. इवन इफ का यूज करते हैं तो उसमें भी हम एट का यूज नहीं करते हैं. एट का यूज जो होता है केवल हमारे आदो के साथ होता है. अब आप आदो के प्लेस पर देखिए, दो भी यूज कर सकते हो, दो दो, इवन दो, इसी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इवन दो या इवन इफ. आदो के प्लेस पर हम इन चारों में से किसी भी एक कंजक्शन का यूज कर सकते हैं, दो, इवन दो, इवन इफ और आदो हमने ऑलरेडी यूज किया है. बस ये ध्यान देना है आदो के साथ हम केवल एट का ही यूज कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फिर भी के लिए हम किन किन यूज का या किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी, यद्यपि वह कमजोर है फिर भी, यद्यपि वह दोस्त है फिर भी उसने ऐसा किया. तो फिर भी के लिए जो हमारा वर्ड है, हमारे पास फिर भी के लिए पांच ऑप्शन है. अरे वाह, सही बात है. अब इस पांच ऑप्शन में हम कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं. इवन देन, इसका मतलब ये होता फिर भी, देन आल्सो फिर भी, स्टिल फिर भी, हाउएवर फिर भी. बट एक चीज को आपको जरूर अपने माइंड में क्लिक करना है, माइंड में मेकअप करना है आपके अपने माइंड को कि एट का यूज केवल आल्दो के साथ होता है, या आप कह सकते हो आल्दो का यूज केवल एट के साथ होता है. ओके, तो आल्दो का जब हम यूज कर रहे हैं तब हम सिर्फ एट का यूज करेंगे. और भी जो हमारे कंजक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन दो, इवन इफ, आदो दो, तो आदो को छोड़कर और सारी केवल इसको छोड़कर
एक आधो को छोड़कर अब बाकी के साथ हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं फिर भी के लिए, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फिर भी के लिए। अब एट, अब ये देखिए आधो, इवन दो या इवन इफ, इस तरह से आपने देखा सीज हुआ है, यहाँ तक कि वह गरीब है। अब एट का यूज हमने कहा बताया था केवल आधो के लिए, तब ये तो छोड़ दीजिए, एट और आधो को हटा दीजिए। फिर आइए आप दो, इवन दो या इवन इफ, ये तीन हमारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनके साथ हम फिर भी के लिए स्टिल का यूज भी कर सकते हैं, हाउएवर का भी यूज कर सकते हैं, इवन देन का यूज कर सकते हैं, देन आल्सो का भी यूज कर सकते हैं। शी इज ऑनेस्ट, कि यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी वह ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इसको हम दो एग्जांपल और देकर आपको समझा देते हैं कि इवन दो और इवन इफ, आधो दो, ओके। तो एक तरह से आप पहले कॉलम वाइज समझ लीजिए, ओके। आधो, आधो के लिए कौन सा मैंने फिर भी के लिए क्या यूज होगा, फिर भी के एट यूज होगा, इतना तो आप क्लियर जान लीजिए। यद्यपि वह दोस्त है फिर भी उसने धोखा दिया, यद्यपि वह फ्रेंड है लेकिन फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी, यद्यपि वह शत्रु है फिर भी उसने उसकी रक्षा की, उसको बचाया। इस तरह से फिर भी के लिए हम आधो के साथ का ही यूज कर सकते हैं, और स्टिल या हाउ एवर या इवन देन या देन आल्सो का यूज हम उनके साथ नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए आप इवन इफ, इवन इफ, इवन दो, ओके। इस तरह से आप देख रहे हैं आर दो, इवन इफ, इवन दो। अब इनके साथ हम ये जो है स्टिल, हाउ एवर, ओके, एंड इवन देन, देन आल्सो, ओके, देन आल्सो, कि और भी जो हमारे चार तीन कंजक्शंस हैं आधो के अलावा उनके साथ हम स्टिल, हाउ एवर, इवन देन या देन आल्सो का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लेक्चर में मैंने आपसे इन चार कंजक्शंस और उन चार कंजक्शंस के साथ फिर भी के लिए किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं इसका मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आपकी वर्णा आपसे विदा लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।